choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black last episode. वैसे कुछ episodes बचे हैं जो मुझे इससे पहले upload करने चाहिए थे, तो अब तक कहानी के अंदर आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन main story के अंदर अब तक आपने देखा अपने heroes Dylan Brock का use करने की सोचते हैं। उन्हें लगा Dylan Null को हरा सकता है और Dylan ने पूरी कोशिश की भी। उसके बाद बाकी heroes ने भी अपना काम किया, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, नमोर, सुजैन, साइक्लॉप्स, यहाँ तक कि आयरन मैन, स्टॉर्म, थॉर, सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर इनकी मदद के लिए पहुँचती है जीन ग्रे, जो कि नल के दिमाग में झांक कर देखती है, जहाँ उसे गॉड ऑफ लाइट के बारे में पता चला। अब तक कि गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पहुँच चुका था, लेकिन एक होस्ट के बिना वो सिम्बियोट की प्रोटेक्शन को पार नहीं कर सकता, जहाँ उसकी मदद सिल्वर सर्फर ने की। अंदर आने के बाद गॉड ऑफ लाइट ने एक नया होस्ट चुना, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब नल का सामना सिल्वर सर्फर के साथ हो रहा है। उधर गॉड ऑफ लाइट की पावर्स आ जाने के बाद एडी ब्रॉक को सभी कुछ दिखाई देने लगा है। वो खड़े हैं, एक साथ मिलकर डटकर सामना कर रहे हैं, वो उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं उन्हें फील कर पा रहा हूँ। नल सिल्वर सर्फर से कहता है, तुम सर्फर, हम पहले भी मिल चुके हैं ना? सर्फर ने कहा, बिल्कुल हम मिल चुके हैं, पहले भी तुम मुझे नहीं हरा पाए थे, और अब तो एक और आ चुका है, एक गॉड ऑफ लाइट। सर्फर अपने सर्व बोर्ड की तलवार बना लेता है। नल ने कहा, हाँ मैंने सुना है, लेकिन खासकर तुम्हें याद होना चाहिए कि लाइट चाहे कितने ही तेज क्यों न ट्रेवल कर ले, अंधेरा हमेशा कायम रहता है, इंतजार करता है। यूँ कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा हूँ लिटिल लाइट, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम एक नेक मौत मरोगे, सर्फर ने कहा, शायद, लेकिन मैं इस मौत का सामना अकेले नहीं करूंगा। बाकी हीरोज भी नल की तरफ दौड़ते हैं, अवेंजर्स असेंबल। लेकिन एडी ब्रॉक बीच में आकर उनका रास्ता रोक लेता है। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों, लेकिन यहाँ से आगे हम संभालेंगे, नल ने कहा। तो तुम आ ही गए, द ग्रेट गॉड ऑफ लाइट ने एक ऐसा होस्ट चुना है जिसे मैं कितने ही बार मार चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? सच में क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तभी एडी ब्रॉक ने म्योनिर और सर्फर के सब बोर्ड को अपने पास बुलाया। हाँ मुझे लगता है कि हम हरा सकते हैं। ये देखकर थोर चौंक जाता है, म्योनिर, उसने म्योनिर को सम्मन किया, ये तो इम्पोसिबल है। फिर एडी ब्रॉक उन दोनों हथियारों को मिला देता है। सर्फर, थोर, स्पाइडरमैन, तुम सब लोग यहीं रुको, मासूमों को बचाओ, इस कमीने को मेरे ऊपर छोड़ दो। अपने इस नए बने हथियार से एडी नल के ऊपर हमला करने लगा और नल डर कर भागने लगा। साइक्लॉप्स पूछता है, क्या ये एडी ब्रॉक था जिसने सर्फर के सर्फबोर्ड और थोर के हैमर को मिला दिया? सुजैन ने कहा, साइक सुनो, कुछ आ रहा है, कैप्टन को किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ साइक्लॉप्स तैयार हो जाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ऊपर एडी नल का पीछा कर रहा है, वो छुप रहा है, भाग रहा है, मेरे रास्ते में सिम्बियोट्स को अड़ा रहा है। कम आउट, बाहर निकलो। तो आखिरकार इतने समय बाद हमें मजा आ रहा है। नीचे कैप्टन एक सिम्बियोट्स के झुंड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। एडी ब्रॉक कहता है, छिपना बंद करो, बाहर आकर ये लड़ाई खत्म करो। तभी नल सिम्बियोट्स के अंदर से बाहर निकला। तुम तुम्हारा अंत चाहते हो लिटिल होस्ट, तो आल ब्लैक तुम्हारा अंत करेगी। लेकिन एडी ब्रॉक अपने एक ही हाथ से आल ब्लैक को रोक लेता है। नहीं, अब नहीं, अब इस लड़ाई में और कोई तलवारें नहीं होंगी और ना ही और कोई ड्रैगन्स होंगे, सिर्फ तुम और मैं होंगे। गैजो नल को नीचे लेकर आ जाता है। तुम्हें डार्कनेस चाहिए थी, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस डार्कनेस में मजा आएगा। वो नल की गर्दन काटने के लिए तैयार ही हुआ था कि नल ने कहा, तुम डार्कनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। थोर देखता है कि ऊपर खड़ा एक सेलेस्टियल हिलने लगा। सभी लोग जल्दी से हट जाओ। फिर सेलेस्टियल सीधा एडी ब्रॉक के ऊपर हमला करने के लिए आता है। मैं तुम्हें डार्कनेस की याद दिलाता हूँ। लेकिन एडी ब्रॉक उछला, वो सेलेस्टियल की तरफ बढ़ने लगा और अपने तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। वो फिर से नल के ऊपर अटैक करता है। रास्ते में स्पाइडरमैन एक ड्रैगन के साथ लड़ रहा था। माफ करना, मैं यहाँ पे ड्रैगन के साथ लड़ने में बिजी हूँ। यार मुझे इन सब सिम्बियोट चीजों से कितनी नफरत है, एडी ब्रॉक नल से कहता है। मुझे याद है जब तुम मुझे सीवर्स में से खींच कर यहाँ ऊपर लाए थे, वो सारा दर्द, वो डर, वो तड़प, जब तुमने मुझसे वैनम को छीना था। नल कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एडी ने अपनी तलवार उठाई और नल की छाती में गाड़ दी। मुझे वो सभी कुछ याद है। इसी के साथ उसने नल से उसका सिम्बियोट छीन लिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या याद है? मुझे याद है मैं उम्मीद छोड़ चुका था,
कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, मुझे गिरना याद है। फिर उसने नल को नीचे फेंक दिया। एडी भी नीचे आता है। खड़े हो जाओ, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो अपनी तलवार को छोड़ देता है। नल ने कहा, तुम नहीं जीत सकते, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन ये डार्कनेस, ये तुम्हारे बेटे के अंदर जिंदा रहेगी। तो एडी ब्रॉक नल को आसमान की तरफ ले जाने लगा। तुम मेरे बेटे के बारे में बात करना चाहते हो, चलो बात करें। नल कहता है, तुम कभी मुझसे आजाद नहीं हो पाओगे। ये वॉइड, ये अनंत है, ये डार्कनेस, इसके दांत है बच्चे, एडी ने कहा। अच्छा, हमारे भी दांत हैं। वो सबसे पहले नल के ऊपर अपनी फायर से हमला करता है। शायद तुम सही कह रहे हो, यू सन ऑफ अ बिच, अंधेरा हमेशा कायम रहेगा, यह आखिरकार हम सबको खा जाएगा, हम सब हार जाएंगे, तुम्हारे किंगडम ऑफ ब्लैक के अंदर समा जाएंगे, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये डेलन के लिए। वो नल की बॉडी को सूरज के अंदर जलाने लगता है, लेकिन एडी ब्रॉक खुद किसी तरीके से जिंदा है, क्योंकि उसे होस्ट बना रखा है खुद गॉड ऑफ लाइट ने। नल के जाने के बाद गॉड ऑफ लाइट बोलता है, एडवर्ड, क्या तुम्हें फील हुआ? एडी ने कहा, मैं हाँ, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। गॉड ऑफ लाइट ने कहा, तुमने कर दिखाया, वो तुम्हें बुला रही है एडवर्ड। नल, वो जा चुका है, उसकी हाइव, वो आजाद हो चुकी है। अर्थ के ऊपर वैम्पायर्स बोलते हैं, जीत, आखिरकार हमारे इलाके को एक देश की मान्यता मिलेगी। चेर्नोबिल की जय हो, ड्रैकुला की जय हो। लेकिन तब उन वैम्पायर्स ने ब्लेड को घेर लिया। क्या तुम्हें लगा था कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, डेव वॉकर? ब्लेड ने कहा, सच कहूं तो मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम नहीं जाने दोगे। बाकी एवेंजर्स ब्लेड को कॉन्टेक्ट करते हैं, ब्लेड, सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें बैकअप चाहिए? तो ब्लेड ने कहा, नहीं, मैं संभाल लूंगा। वैम्पायर्स पूछते हैं, अच्छा बेटा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम संभाल लोगे? तभी धरती के ऊपर से सिम्बियोट्स की परत हटने लगी, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी, और वो सारी वैम्पायर्स चलकर राख हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि दिन निकलने वाला है। अवेंजर्स पूछते हैं, ब्लेड, वहाँ सब ठीक तो है ना? ब्लेड ने कहा, वैसे मैं सिम्बियोट्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक वैम्पायर्स की बात है, सब ठीक है। थॉर और सर्फर उस हथियार की तरफ देखते हैं। फिर उन दोनों ने अपने अपने हथियार को अपनी तरफ बुला लिया। थॉर कहता है, ऐसा लग रहा है कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। सर्फर ने कहा, बिल्कुल, वॉर खत्म हो चुकी है थॉर, हालांकि मुझे नहीं लगता कि चीजें फिर से वैसे की वैसे रहेंगी। एडी ब्रॉक नीचे उतरता है। अवेंजर्स उसके पास आ चुके थे। स्पाइडरमैन ने पूछा, एडी, क्या ये सच में तुम ही हो? क्या नल वो? एडी ने कहा, हाँ हाँ, वो मर चुका है। तो स्पाइडरमैन बोलता है, ओ माय गॉड एडी, तुमने कर दिखाया, लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर एडी उनके बीच से बाहर निकलता है। नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो डेलन के पास गया, जिसे काफी दर्द हो रहा था। नहीं नहीं, एडी पूछता है, डेलन बेटा मैं हूँ, क्या तुम ठीक हो? वो अपने डैड की तरफ देखते हैं। डेलन ने कहा, हाय बच्चे, क्या दिक्कत है? डैड से बात करो। तब वो अपने डैड के गले लग जाता है। इट्स ओके बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन डेलन को काफी दर्द हो रहा है। मेरे अंदर अब भी नल का एक हिस्सा है, मैं उसे जलता हुआ फील कर पा रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। एडी बोलता है, मुझे पता है बेटा, सांस लेने की कोशिश करो, इसमें काफी दर्द होने वाला है। तो एडी ने अपने बेटे के अंदर अपना हाथ डाल दिया। डेलन चिल्लाने लगा, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम इस डार्कनेस के मोहताज नहीं बनोगे। उसने डेलन के अंदर से नल का वो हिस्सा निकाल लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वो सिम्बियोट एडी ब्रॉक को छोड़कर जाने लगता है। ये क्या हो रहा है? उसे गॉड ऑफ लाइट की आवाज सुनाई दी। तुमने काफी अच्छा काम किया एडवर्ड, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, तुम्हें अपनी खुद की रक्षा करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, अब नहीं। एडी पूछता है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। गॉड ऑफ लाइट ने कहा, अब तुम्हारे पास एक नया रोल है, तुम कुछ और बन चुके हो, कुछ नए। अब तक वैनम भी एडी के पास आ चुका था। एडी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम फील कर पा रहे हो? क्या तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लेकिन बाकियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पाइडरमैन और डेलन पूछते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो एडी ने कहा, हम ठीक हैं, तुम यहीं रुको बेटा, हम वापस आते हैं, मैं उन सब को सुन पा रहा हूँ, द हाइव, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पा रहा। तो वैनम ने कहा, वो तुमसे हमारी एंशंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एडी, क्योंकि तुमने द वर्ल्ड को हरा दिया, तुमने हमारी प्रजाति को आजाद कर दिया, अब तुम द हाइव माइंड हो, तुम द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स हो, अब तुम हो द किंग इन ब्लैक। गाइस, एडी इन सिम्बियोट्स को लेकर कहाँ जा रहा है, वो इनके साथ क्या करने वाला है, देखिए अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।